press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वीडियो में हम जानते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण और शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगती है उससे बचने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं और क्या टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि नॉर्मली पेपर में जो न्यूज आती है, बहुत न्यूज देखते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन, हाई वोल्टेज हो या लो वोल्टेज हो, उसके कारण बहुत सारे इक्विपमेंट ये डैमेज होते हैं। अपने घर के जो टीवीज है, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी कॉस्टली जो इक्विपमेंट है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण डैमेज होते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो बहुत सारी जो मशीनरीज है वो डैमेज होने का मेन जो रीजन है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो इसके बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए दो उपाय है। एक जो है कि हम पावर गार्ड यूज कर सकते हैं या सर्वो स्टेबिलाईजर यूज कर सकते हैं। अगर हम एक सर्वे किया गया था, वो सर्वे में ऐसा एनालिसिस हो गया है कि 40% ऑफ द फायर इज ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट। जितने भी आग लगती है उससे 40% जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये बेसिकली जब भी कोई इक्विपमेंट हम डिजाइन करते हैं तो वो डिजाइन इक्विपमेंट रहता है पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि घर में टीवी है या फ्रिज है तो उसका बेसिकली जो ऑपरेशन वोल्टेज है वो 230 वोल्ट सिंगल फेज है। अगर कोई थ्री फेज इक्विपमेंट देखते हैं जैसे पानी का मोटर है या कोई है, तो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है वो थ्री फेज 415 वोल्ट रहता है। लेकिन कोई भी इक्विपमेंट जब डिजाइन होता है तो उसका एक रेंज रहता है, टॉलरेंस रेंज रहता है कि उसमें वो रेंज में वो इक्विपमेंट सही ढंग से काम करता है। जब भी हम बोलते हैं कि नॉर्मली अपने घर के जो सभी इंस्ट्रूमेंट्स है वो 170 और 260 वोल्टेज के बीच में प्रॉपर चलते हैं, तो इसके लिए, लेकिन कुछ इक्विपमेंट ऐसे है कि जिसके लिए बहुत प्रिसाइज वोल्टेज लगता है, जैसे एक सीएनसी मशीन है या मेडिकल कोई कॉस्टली इक्विपमेंट है, उसके लिए जो वोल्टेज रेंज है वो बहुत नैरो रहता है, उसमें 230 प्लस माइनस 1% का रेंज रहता है। तो पहला जो सेक्शन है उसके लिए हम पावर गार्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में हम प्रोटेक्शन उसको दे सकते हैं। तो इसमें बेसिकली पावर गार्ड जो है वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, स्टेबिलाईजर ये थोड़ा सा कॉस्टलियर सॉल्यूशन है। जहां पे बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है वहां पे हम स्टेबिलाईजर यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो घर के इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए हम पावर गार्ड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली पावर गार्ड काम कैसे करता है हम देखते हैं कि पावर गार्ड में क्या होता है, जैसे ही लो वोल्टेज होता है या हाई वोल्टेज हो जाता है तो ये घर का जो सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसका जो बेसिकली इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, ये डिजिटल डिस्प्ले में आपको वोल्टेज दिखता है, करंट दिखता है, ये सब पैरामीटर्स आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज आ जाता है ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपके जो इक्विपमेंट है वो सेफ हो जाते हैं, और जब भी नॉर्मल सप्लाई आता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसमें अलग अलग मॉडल्स है, डिपेंडिंग ऑन द आपका जो कंजम्पशन है उसी हिसाब से हम उसका अलग अलग मॉडल सिलेक्ट करते हैं। इसमें और एक प्रोटेक्शन है, नॉर्मली कैसे होते हैं कि अपने घर के जो इक्विपमेंट्स है जैसे कि एसी है या गीजर है, उसमें बहुत बार लीकेज चांस रहता है कि उसमें अर्थिंग लीकेज आता है और लीकेज के कारण किसी को शॉक भी बैठ सकता है। तो जब भी ऐसा लीकेज रहेगा या किसी को शॉक बैठता है तो ये इमीडिएटली सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देता है, इसको अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ये भी फीचर इसमें इनबिल्ट है। इसके अलावा और भी एक इसकी खासियत है कि ये यूज करके हम अपना लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव भी कर सकते हैं। ये कैसे हम देखते हैं कि जब भी अपने घर में कोई इक्विपमेंट है अपने को पता नहीं चलता कि इक्विपमेंट का कंजम्पशन कितना है। जैसे हम एग्जाम्पल ले कि दो फैन है अपने पास में, लेकिन एक फैन का कंजम्पशन 30 वॉट है और दूसरे का 80 वॉट है। जब आप ये मॉनिटर करेंगे कि ये फैन का कंजम्पशन 30 वॉट है और इसका 80 वॉट है, तो आप अपना यूज उसी तरफ से करेंगे। बहुत टाइम ऐसे से होता है कि जो रेफ्रिजरेटर पुराना हो जाता है या मोटर पुरानी हो जाती है वो बहुत पावर लेने लगती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, अपना लाइट बिल बढ़ते जाता है। तो इस केस में आपके डिस्प्ले पे ये दिखाता है कि ये कितना कंज्यूम करता है, ये इक्विपमेंट कितना कंज्यूम करता है, आप मॉनिटर कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपना यूज कंट्रोल कर सकता है या आप इक्विपमेंट चेंज कर सकते हैं। उसका और एक दूसरा कि अगर ये हम घर में दर्शनी भाग में जहाँ पे हम बैठते हैं वहां पे अगर ये इक्विपमेंट लगाया तो आप कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि अपना कंजम्पशन कितना है। बहुत टाइम क्या होता है कि हम हॉल में बैठे रहते हैं लेकिन बेडरूम का एसी चालू रहता है,
अपने को पता ही नहीं चलता कि एसी चालू है, लेकिन आप अगर हॉल में बैठे बैठे सामने देखेंगे कि नहीं यार मेरा 8000 वाट कंजम्पशन हो रहा है, तो कुछ तो अंदर चालू है, तो हम जाके उसको बंद कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये इक्विपमेंट यूज करके हम अपना यूजेज कंट्रोल कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर सकते हैं। तो इस पावर गार्ड का हम अभी डेमो देखेंगे। तो इसमें जो जो अलग अलग मॉडल्स है, सिंगल फेज मॉडल से, थ्री फेज मॉडल से, डिपेंडिंग ऑन द करंट देयर आर वेरियस रेंजेस, तो हम अभी इसका डेमो देखेंगे प्रैक्टिकल। तो हम हमारे पावर गार्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे दो वर्जन से पावर गार्ड में, ये फर्स्ट जो सिंगल फेज पावर गार्ड है और ये हमारा थ्री फेज मॉडल पावर गार्ड है। दोनों 32 एम्पियर रेटिंग है, सिंगल फेज 32 एम्पियर, थ्री फेज 32 एम्पियर। तो पहले हम सिंगल फेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले इस पावर गार्ड में दिया हुआ है। ये कुछ LEDs हैं जिनके ऊपर हर एक LED का फंक्शन लिखा हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये कीज की भी कुछ ऑपरेशन है, ये LCD बाईपास, प्रोटेक्शन बाईपास, जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ डेमो में। पहले हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे इनपुट सिंगल फेज कनेक्ट कर सकते हैं हम फेज न्यूट्रल, और यहाँ से हमें आउटपुट निकलनी है फेज न्यूट्रल। यहाँ पे इसे प्रोटेक्शन के लिए एक MCB भी प्रोवाइड किया हुआ है जो ओवर करंट पे ट्रिप हो जाएगा। हमारा कनेक्शन हो चुका है, एक बार हम चेक करते हैं कनेक्शन किस तरह से किया हुआ है। यहाँ पे हमने मेन्स इनपुट कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हमने आउटपुट कनेक्ट किया हुआ है। हमें इस पावर बार को चेक करने के लिए वेरिएबल AC की ज़रूरत पड़ेगी। हमने इस पावर सोर्स के थ्रू वेरिएबल AC कनेक्ट किया। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर कनेक्ट किया जिससे हमें AC की रीडिंग्स मिलेगी। और यहाँ पे कुछ लोड बैंक है जिसके थ्रू हम पावर गार्ड को लोड दे पाएंगे। बेसिकली पावर गार्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर इनपुट साइड में MSC भी हो या ग्रिड सप्लाई आपका जो भी हो, वहाँ पे इनपुट साइड में कभी फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी वोल्टेज कम आती है, कभी वोल्टेज ज़्यादा आती है, तो उससे हमारे अप्लायंसेस और जो हमारे घर के इक्विपमेंट्स है वो प्रोटेक्ट रह सके। अगर 280 वोल्ट हमारा इनपुट आ जाता है MSC से या फिर ग्रिड सप्लाई से, तो चांसेस है कि हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स है वो डैमेज हो सकते हैं, या फिर वो इनपुट बिलो 130 भी चला जाता है तो भी हमारे घर के इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं। तो ये पावर गार्ड बेसिकली क्या करता है, इसकी ऑपरेशन एक ऑपरेटिंग रेंज हमने प्रोवाइड की है इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। 150 वोल्ट मिनिमम इसकी वोल्टेज लेवल है और 280 वोल्ट इसकी हायर वोल्टेज लेवल है। तो 150 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक ये आपका पावर सप्लाई कंटिन्यू रखता है। जैसे ही 280 वोल्ट को इनपुट वोल्टेज क्रॉस हो जाती है तो ये आउटपुट सप्लाई ट्रिप कर देता है, या फिर 150 वोल्ट से इनपुट वोल्टेज कम आ जाती है तो ये पावर सप्लाई कट कर देता है। तो हम चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क होता है। तो अब हम इस पावर कार्ड को सप्लाई देके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं, वेरिएबल AC के थ्रू इनपुट जैसे ही बढ़ता जाएगा तो हमारा पावर कार्ड ऑन हो जाएगा। ये टाइम डिले हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अभी हम देख सकते हैं हमने इनपुट वोल्टेज 140 वोल्ट प्रोवाइड किया हुआ है, हमारा पावर कार्ड का जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 150 वोल्ट से आगे है, तो इसलिए हमारे पावर कार्ड ने अभी इनपुट लो सेंस करके ट्रिप कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्ट लो और ये फॉल्ट का मेरा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं, 160 वोल्ट के ऊपर जाते ही हमारा पावर कार्ड अपने आप ऑन हो जाएगा। अब देख सकते हैं फॉल्ट सेंस कर रहा है, अभी अपने आप रिसेट हो गया हमारा वोल्टेज, जैसे ही स्टेबल हो गया तो ये अपने आप रिसेट हो गया। ये टाइम डिले हमने इंटेंशनली प्रोवाइड किया हुआ है जिसके कारण अगर MSC से अचानक सडनली भी कोई वोल्टेज राइज हो जाए तो हमारा पावर कार्ड इंस्टेंटली ऑन ना हो, वो थोड़ा टाइम ले और फिर ऑन हो जाए, जिसकी वजह से अगर कोई स्पाइक भी आती हो तो भी वो प्रोटेक्ट हो जाए। आप देख सकते हैं जैसे इनपुट वोल्टेज 165 हो गया तो इसका फॉल्ट चला गया और ये ऑन हो चुका है। तो अब हम इसके बाकी के फंक्शंस चेक कर लेते हैं। तो इसके LEDs के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये आउटपुट हाई का LED दिया हुआ है, ये आउटपुट लो का LED दिया हुआ है, ये ELCB का मतलब है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर घर में किसी पुअर वायरिंग की वजह से या फिर कहीं पे अर्थ लीकेज होने के कारण या फिर कहीं पे शॉक लगने के चांसेस हो, तो उस कंडीशंस में हमारा पावर कार्ड सेंस करता है कि घर में कहीं तो अर्थ लीकेज हो रहा है, तो ये अपने आप
ट्रिप कर देता है, जिसके कारण शॉक लगने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट है एलईडी इनपुट वोल्टेज, ये शो करता है कि इनपुट वोल्टेज हमारा कितना है। ये एलईडी इनपुट करंट, हम जैसे ही हमारे पावर कार्ड पे लोड बैंक के थ्रू लोड देंगे तो यहाँ पे इनपुट करंट दिखेगा। उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे घर में कौन सा इक्विपमेंट कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, तो हमें कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ करना है, कौन सा इक्विपमेंट हमें ज़्यादा अवॉइड करना है, तो इससे हमारी बिलिंग भी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा एलईडी है ओवरलोड का एलईडी, ये भी एक प्रोटेक्शन ही है। जैसे ही ओवर करंट हो जाएगा पावर कार्ड के थ्रू, 32 एम्पीयर का पावर कार्ड है, अगर 32 एम्पीयर से ओवर करंट हो जाएगा तो ये ओवरलोड से ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन बाईपास। अब ये दो जो मोड दिया है वो है, ये हमने बाईपास मोड दिया है। अगर मान लो किसी को पावर कार्ड को बाईपास करना है, हम रिकमेंड तो करते नहीं है, लेकिन अगर किसी को करना ही है पावर कार्ड बाईपास, तो ये जो दो कीज़ है, इन दो कीज़ का यूज़ करके वो पावर कार्ड को बाईपास कर सकता है। एक जो की है वो हाई लोग जो कट ऑफ है हमारा, मतलब 150 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक हमारी जो ऑपरेटिंग रेंज है, उस रेंज को बाईपास करने के लिए ये की यूज़ करते हैं। और दूसरी जो की है ये ELCV बाईपास करने के लिए, अगर किसी को घर में ELCV बाईपास करना है तो वो इस की का यूज़ करके बाईपास कर सकता है। ये जो लास्ट वाली की है ये सेटिंग की है, हमारी जो इनपुट रेंज है वो चेंज करने के लिए, करंट कैपेसिटी है वो चेंज करने के लिए ये सेटिंग की यूज़ करते हैं। तो हम हमारे पावर कार्ड पे लोड बढ़ा के एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे करंट कैसे शो होता है और वोल्टेज कैसे शो होती है। तो ये कुछ लोड बैंक है, 200 वॉट के बल्ब्स हमने कनेक्ट किए, हम एक एक बढ़ा के देखते हैं। हमने अभी दो बल्ब कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 एम्पीयर करंट शो कर रहा था। एक बार फिर से चेक करते हैं, इनपुट वोल्टेज हमारी 210 वोल्ट है, हमारा करंट 1 एम्पीयर है और ये हमारा वोल्टेज दिख रहा है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में जो इक्विपमेंट रन हो रहे हैं उनका वोल्टेज कितना आ रहा है। अभी हमने हमारे पावर कार्ड में इनपुट लो इनपुट हाई करके प्रोटेक्शन चेक कर लिया, आउटपुट चला के देख लिया कि आउटपुट कैसे चलता है हमारे पावर कार्ड पे, हमें क्या क्या इंडिकेशंस मिलती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हमारे पावर कार्ड का एक और फंक्शन है ELCV, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो एक बार चेक करते कि ELCV कैसे वर्क होता है। तो ये CFL बल्ब हमने लिया हुआ है, 7 वॉट का ये CFL बल्ब है, इसे हम अर्थ और फेज के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब अर्थ लीकेज करके देखेंगे कि ये ट्रिप कैसे होता है। तो हम ELCV फंक्शन एक बार चेक करके देखते हैं। इस बल्ब को मैं फेस और अर्थ के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अभी पावर कार्ड हमारा चल रहा है, हमारा लोड भी अभी रनिंग है। अब मैं थोड़ा सा अर्थ लीकेज करके देखने वाला हूँ कि पावर कार्ड ट्रिप कैसे होता है। आप देख सकते हैं EL मैसेज आ रहा है और फॉल्ट लिख के आ रहा है, हमारा लोड भी ट्रिप हो चुका है, मतलब ELCV की वजह से पावर कार्ड ट्रिप हो। तो कुछ इस तरह से ELCV का फंक्शन वर्क होता है। अब इसी ELCV को अगर बाईपास करना है तो इस की से बाईपास हम कर सकते हैं, बाईपास करने के बाद ये ट्रिप नहीं होगा। हमने लोड स्टार्ट कर दिया है, अब मैं फिर एक बार वही एक्शन करने जा रहा हूँ, CFL बल्ब को फेज और अर्थ के साथ कनेक्ट करूँगा और देखते हैं ट्रिप होता है कि नहीं। आप देख सकते हो इसने ELCV का इंडिकेशन ऑन कर दिया लेकिन पावर का ट्रिप नहीं हुआ। ELCV हो रहा है, इसने सेंस किया ELCV हो रहा है लेकिन ये ट्रिप नहीं कर रहा, क्योंकि आपने ELCV का प्रोटेक्शन ऑन किया है। अब जैसे ही मैं आपने ELCV का प्रोटेक्शन बाईपास किया है, अब जैसे ही मैं ये प्रोटेक्शन फिर से ऑन कर दूँ तो ये ट्रिप हो गया और ये बता रहा है कि ELCV आ रहा है। प्रोटेक्शन बाईपास करने के बाद ये रिसेट हो जाएगा, प्रोटेक्शन बाईपास हो चुका है, ELCV आ रहा है, लोड आपका ऑन हो गया। अब हम हमारे थ्री फेज पावर कार्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा 32 एम्पीयर थ्री फेज पावर कार्ड मॉडल है, इसका डिस्प्ले आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस दी हुई है जिनके बारे में मैं आपको डेमो में डिस्कस करता हूँ। अब हम हमारे थ्री फेज पावर कार्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा थ्री फेज पावर कार्ड मॉडल है, ये 32 एम्पीयर कैपेसिटी वाला पावर कार्ड है। इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह है, यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस प्रोवाइड की हुई है
और ये कुछ कीज दी हुई है कुछ ऑपरेशंस के लिए जो मैं आपको डेमो में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये आउटपुट के MCBs दिए हुए हैं जो आउटपुट प्रोटेक्ट कर दे, अगर ओवर करंट या कुछ फॉल्ट हो जाए तो ये अपने आप ट्रिप हो जाएंगे। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मेन्स का MCB इनपुट कनेक्ट किया हुआ है। अब ये 3-phase पावर कार्ड है तो एक ही फेज कॉमन कर दी है, यहाँ से हमने आउटपुट कलेक्ट किया हुआ है। इस आउटपुट पे हम ये लोड बैग रन करेंगे और इनपुट हम इस पावर कार्ड की इस वेरिएबल AC के थ्रू हम इनपुट कनेक्ट करेंगे। तो अब हम इस पावर कार्ड को सप्लाई देके चेक करते हैं। वेरिएबल AC के थ्रू हम AC सप्लाई बढ़ाएंगे। अब मल्टीमीटर पे चेक कर देख सकते हैं जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज 60-70 वोल्ट क्रॉस कर देगा हमारा पावर कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। पावर कार्ड स्टार्ट हो चुका है, जैसे हमने सिंगल फेज में देखा कि डिले प्रोवाइड किया हुआ है, सेम डिले हमने 3-phase मॉडल में भी प्रोवाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेंस कनेक्ट किया तो मेंस का LED ग्लो हो चुका है। जो हमारा इनपुट जो वोल्टेज है वो 75 वोल्ट AC है तो इसने लो वोल्टेज का फॉल्ट इंडिकेशन हमें दे दिया है। ये EL फॉल्ट मतलब हमारा ELCB का जो फॉल्ट रहता है वो इंडिकेशन करने के लिए रहता है। अब ये 3-phase मॉडल है तो यहाँ पे हर एक फेज के लिए अलग अलग इंडिकेशन दिया हुआ है। R फेज के लिए R रेड वाली लाइट इंडिकेट करती है। अब ये इसको हमने कॉमन इनपुट प्रोवाइड किया है सिंगल फेज लूप करके 3-phase दिया हुआ है तो तीनों वोल्टेज हमें सेम ही दिखाएंगी। R फेज देख सकते हो, Y फेज और ये ब्लू फेज, तीनों में हमें 74 वोल्टेज रीडिंग आ रही है। अब ये लो वोल्टेज की वजह से ट्रिप हो चुका है, हम चेक करते हैं एक बार सप्लाई बढ़ा के कि अपने आप रिसेट होता है कि नहीं। इसकी भी जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वो हमने 150 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट सेट की हुई है तो ये जैसे ही 150 वोल्ट से आगे चला जाएगा ये अपने आप खुद को रिसेट कर लेगा। आप देख सकते हैं फॉल्ट चला गया, इसने चेक कर लिया इनपुट वोल्टेज अपने आप बढ़ चुका है। जैसे ही इनपुट वोल्टेज 180 वोल्ट स्टेबल हो गया फॉल्ट चला गया और ये रिसेट हो गया। R फेज शो कर रहा है, Y फेज शो कर रहा है इनपुट वोल्टेज और B फेज भी इनपुट वोल्टेज शो कर रहा है। अब हम इस पे कुछ लोड रन करके देखते हैं। ये लोड बैंक है हमारी, अब हम इस पे लोड रन करते हैं। अब देख सकते हैं मैं भी लोड ऑन करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लोड ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे जो MCBs है वो भी ऑफ है तो हमें MCB ऑन करने पड़ेंगे। MCB ऑन करते ही हमारा लोड ऑन हो गया तो MCB भी प्रोटेक्शन में आते हैं। अभी मैंने R फेज पे सिर्फ R फेज पे आउटपुट कनेक्ट किया हुआ है तो इसकी वजह से हमारा जो लोड करंट दिखेगा वो सिर्फ R फेज पे दिखेगा। आप देख सकते हो B फेज पे वोल्टेज शो कर रहा है, करंट नहीं है। R फेज पे वोल्टेज शो हो रहा है, Y फेज पे वोल्टेज शो हो रहा है, B फेज पे भी वोल्टेज शो हो रहा है। जब मैंने लोड बढ़ा दिया तो आप देख सकते हैं R फेज पे 3 एम्पियर का लोड करंट फ्लो हो रहा है। Y और B फेज में मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है तो Y और B में 0 लोड बता रहा है। सिर्फ R फेज में 3 एम्पियर लोड रनिंग है तो R फेज में ये 3 एम्पियर करंट दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हम Y फेज और B फेज पे भी लोड बढ़ा के चेक कर सकते हैं कि Y फेज पे और B फेज पे कितना करंट शो कर रहा है। इस करंट की वजह से आपको ये मदद होती है कि आपको खुद को पता चलता है कि आपके घर का या फिर आपकी इंडस्ट्री में कौन सा इक्विपमेंट कितना कंजम्पशन कर रहा है तो इसकी वजह से आपको कौन सा इक्विपमेंट अवॉइड करना है, कौन से इक्विपमेंट का कितना यूज़ करना है और इसकी वजह से आपकी एनर्जी सेविंग भी हो सकती है। अब हम ये जो सामने कीज दी हुई है उनके ऑपरेशन के बारे में एक बार चेक करते हैं। ये फर्स्ट वाली जो की है ये हमारा हाई लो बाईपास जो हाई लो कट ऑफ है हमारे पावर कार्ड का 150 वोल्ट से देखे 280 वोल्ट तो उसको बाईपास करने के लिए ये की हम यूज़ करते हैं। अगर इस की को आप प्रेस करके रखोगे, प्रेस करके होल्ड करोगे तो ये अपने आप बाईपास हो जाएगा, यानी ये इनपुट वोल्टेज सेंस नहीं करेगा। ये 150 वोल्ट से नीचे चला जाएगा तो ट्रिप नहीं होगा, 280 वोल्ट से आगे चला जाएगा तो ट्रिप नहीं होगा। हम रेकमेंड तो नहीं करते लेकिन किसी कस्टमर को अगर बाईपास करना है तो वो इसे इस की से बाईपास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं HLU बाईपास, इसका मतलब हाई लो वोल्टेजेस
जो कट ऑफ है वो बाईपास हो चुके हैं, सिर्फ फिर से ऑन करने के लिए उसी की को होल्ड करना है प्रेस करके। एच एल यू ऑन हो गया। सेकेंड वाली जो की है वो सेटिंग मोड में जाने के लिए, कुछ सेटिंग है पावर गार्ड के रिलेटेड, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, पीएल, करंट कैपेसिटी, हिस्टेरेसिस हम सेट करते हैं, डिले जो फर्स्ट आता है पावर देने के बाद वो डिले सेट करने के लिए, और ये एसपीपी मोड है। एसपीपी मोड के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपका लोड थ्री फेज है और मान लीजिए कि आपकी इनपुट सिंगल फेज थ्री फेज में से कोई एक सिंगल फेज चली जाती है तो आपका जो आउटपुट है वो तीनों के तीनों फेज बंद होना चाहिए। तो एसपीपी अगर हम ऑन रखते हैं तो ये चेक करता है कि आपकी तीनों फेज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई एक फेज भी एब्सेंट है तो ये आपके आउटपुट तीनों फेज में काट देगा। अगर एक तीनों फेज प्रेजेंट है तो ये आउटपुट चलेगी, कोई भी एक फेज एब्सेंट हो गई तो आउटपुट ट्रिप हो जाएगी। कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए एसपीपी ऑन रखना कंपलसरी रहता है। हमारे घरेलू एप्लीकेशन के लिए एसपीपी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम घर में तो सारे सिंगल फेज ही एप्लीकेशन शिफ्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह की इसकी सेटिंग्स है। सेटिंग से बाहर आने के बाद अब ये थर्ड वाली जो की है, लाइक सिंगल फेज पावर कार्ड में जैसे ईएलसी भी बाईपास की थी तो ये वही सेम की हमने थ्री फेज पावर कार्ड में भी प्रोवाइड की है। जैसे ही आप ये की प्रेस करोगे, प्रेस करके होल्ड करनी पड़ती है, तो ईएलसी भी बाईपास हो जाती है या फिर ईएलसी भी ऑन होती है।